नमस्कार दोस्तों, एनके मॉनिटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे, इसलिए लाइक जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, घर आनंद से युक्त हो, संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर वचन बोलने वाली हो, इच्छा पूर्ति के लायक धन हो, पत्नी के प्रति प्रेम भाव हो, आज्ञाकारी सेवक हो, अतिथि का सत्कार और श्री शिव का पूजन प्रतिदिन हो, घर में मिष्ठान व शीतल जल मिला करे और महात्माओं का सत्संग प्रतिदिन मिला करे, तो ऐसा गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों से अधिक धन्य है। ऐसे घर का स्वामी अत्यंत सुखी और सौभाग्यशाली होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति दुखी ब्राह्मणों पर दयामय होकर अपने मन से दान देता है, वो अनंत होता है। दोस्तों, ब्राह्मणों को जितना दान दिया जाता है, वो उतने से कई गुना अधिक होकर वापस मिलता है। चाणक्य जी आगे बताते हैं, जो पुरुष अपने वर्ग में उदारता, दूसरे के वर्ग पर दया, दुर्जनों के वर्ग में दुष्टता, उत्तम पुरुषों के वर्ग में प्रेम, दुष्टों से सावधानी, पंडित वर्ग में कोमलता, शत्रुओं में वीरता, अपने बुजुर्गों के बीच में सहन शक्ति, स्त्री वर्ग में धूर्तता, ऐसी कलाओं में चतुर है, ऐसे ही लोगों में इस संसार की मर्यादा बंधी हुई है। दोस्तों, जिसके दोनों हाथ दान देने से रहित हैं, दोनों कान वेद शास्त्र को सुनने के विरोधी हैं, दोनों नेत्र महात्माओं के दर्शन से वंचित हैं और दोनों पैर तीर्थ यात्रा से दूर और केवल पाप के द्वारा कमाए धन से पेट भरकर अहंकार करने वाले हैं, ऐसे लोग धरती पर बोझ के समान होते हैं। चाणक्य जी आगे बताते हैं, बसंत ऋतु में यदि करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते तो इसमें बसंत का क्या दोष है? सूर्य सबको प्रकाश देता है, लेकिन यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? इसी प्रकार वर्षा का जल यदि चातक के मुंह में नहीं पड़ता तो इसमें मेघों का क्या दोष है? दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मा ने जो भाग्य में लिख दिया है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। आगे दोस्तों बताया गया है, अच्छी संगति से दुष्ट लोगों में भी साधुता आ जाती है। उत्तम लोग दुष्ट लोगों के साथ रहने पर भी नीच नहीं होते। फूल की सुगंध मिट्टी तो ग्रहण कर लेती है, लेकिन मिट्टी की गंध को फूल कभी ग्रहण नहीं करता। चाणक्य नीति में आगे बताया गया है, साधु अर्थात महान लोगों के दर्शन करना पुण्य तीर्थों के समान है, क्योंकि तीर्थ जाने का फल समय से प्राप्त होता है, लेकिन साधुओं की संगति का फल तत्काल प्राप्त होता है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, जहाँ ब्राह्मणों के चरण धोए नहीं जाते अर्थात उनका आदर नहीं किया जाता, जहाँ वेद शास्त्रों की ध्वनि नहीं गूंजती और देव पूजन नहीं किया जाता, वो घर शमशान के समान होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी जीवों को अपने समान देखता है, वही पंडित है अर्थात विद्वान होता है। चाणक्य जी आगे बताते हैं, राजपुत्रों से नम्रता, पंडितों से मधुर वचन, जुआरियों से असत्य बोलना और स्त्रियों से छल सीखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।